एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है और हम आ गए अपनी मॉर्निंग रूटीन के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। और अब चल पड़े हैं वापस, क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अब हम निकलते हैं फटाफट से वापस। और आज है लास्ट नवरात्रा और नवा नवरात्रा। आप सभी को नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और चलते हैं अब घर की ओर, चौहान साहब से भी मिलवाते हैं। गुड मॉर्निंग सबको, मेरी तरफ से नमस्कार। नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। इतना ही बोल सकता मैं। तो फ्रेंड्स, अभी अनुराग उठ के आ गया। आज अनुराग की हॉलीडे, हमें नहीं पता किस चीज़ की हॉलीडे दी है। गवर्नमेंट ने हॉलीडे कर दी है आज की, और अनुराग को पता ही नहीं था, हमें शाम को पता चल गया था। अनुराग ने शाम को अपना स्कूल का मैसेज देखा नहीं, और बाद में अभी सुबह उठ के आया तो देखा अनुराग ने आज तो हॉलीडे है। अब अनुराग बड़ा खुश हो गया और अब जा रहा है दोबारा सोने। ऐसे नहीं कि मैं साइकिल चलाने जाऊँ, सोने नहीं आना, साइकिल चलाओ। देखो इसको, जरा दोबारा जा रहा सोने। अनुराग गलत बात है। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं मंदिर, और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। निकलते हैं मंदिर की ओर। और आज लास्ट नवरात्रा है, और शायद वहाँ पे भंडारा भी होता है शायद, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। होगा शायद आज भंडारा भी, क्योंकि कल तो दशहरा है, दशहरे के दिन नहीं होता भंडारा, आज ही होता है। तो चलिए निकलते हैं, फिर मिलते हैं रास्ते में आपको। यहाँ हम पहुँच गए हैं बाज़ार में। हमारे साथ आज मैकू भी जा रही है। मैकू गई है अभी अपने पापा के ऑफिस, है ना? अभी मैकू पापा के पास गई है पैसे लेने के लिए, जेब खर्चे। और हम अभी जा रहे हैं, रास्ते में भी पहुँचे, मार्केट में पहुँचे हैं। मार्केट में खूब सारा रश है आज। तो आ गई है मैकू भी अपने पापा के ऑफिस से, अब हम जा रहे हैं। ये रही मैकू, हेलो कर दे मैकू। यहाँ पे लगा था इतना सारा जाम, देखो अभी भी कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं पीछे से। जाम लगा हुआ है, इतना लंबा जाम, गाड़ियों के बीच बीच में से घुस घुस के निकले हैं अभी हम। अभी भी जाम है, लंबा जाम। यहाँ हम पहुँच गए थे मंदिर, और मंदिर में हो रहा था हवन, और अभी चल रही थी पूर्णाहुति का समय था। अभी पूर्णाहुति होगी और उसके बाद मंदिर में होगी आरती, और उसके बाद होगा भंडारा शुरू। तो हम लोग भी पहुँच गए थे पूर्णाहुति के समय पे, और फिर हम भी थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे। और आज बहुत ही अच्छी सी वाइब्स आ रही थी मंदिर में। मंदिर में जाकर हमेशा ही अच्छी सी वाइब्स ही आती है, और काफ़ी पॉजिटिविटी सी आती है, तो अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे शुरू हुई आरती, और इतना ज़्यादा रश था। मतलब लास्ट नवरात्रा था और भंडारा भी होने वाला था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा रश था वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगा। अब यहाँ पे आरती की तैयारियाँ हो रही हैं, आप देख सकते हैं। आरती करने से पहले थोड़ा सा बंद कर दिया जाता है, और खोल दिया गया पड़ता है, और यहाँ पे आरती शुरू हो गई आरती के बाद यहाँ पे हो रही है तैयारियाँ कन्या पूजन की। कन्या पूजन किया गया, भंडारा शुरू करने से पहले सबसे पहले कन्याओं को भोजन कराया गया, और उसके बाद शुरू हुआ भंडारा। तो हम भी आ गए थे भंडारा खाने के लिए यहाँ पे, और ये आंटी मिल गई थी मुझे वहाँ पे। आंटी और मैं काफ़ी देर से बैठे थे एक साथ में ही, और तो काफ़ी मज़ा आया हमें। आंटी भी मिल गई थी, और ये आ गए हैं भंडारा खा के। अब हम चल पड़े वापस, बसें आ रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं इतनी बड़ी बड़ी मोड़ने के लिए यहाँ पे, और हमारे को डरा रही है। अब चल रहे हैं हम वापस। अभी हम पहुंच गए थे मार्केट में शूज़ लेने के लिए, तो शूज़ पसंद कर रहे थे, कोई भी शूज़ पसंद नहीं आए हमें। और उसके बाद हम निकल गए शूज़ की शॉप से, फिर हमने बाज़ार में देखी बहुत सारी चूड़ियाँ वगैरह, और फिर हम पहुंच गए सीधा घर। तो फ्रेंड्स, मंदिर से आने के बाद हम गए मार्केट में। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कुछ भी शूट नहीं किया,
हम देख रहे थे करवा चौथ आने वाला है, चूड़ियाँ वगैरह देख रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी हमें लेनी थी उनको देख रहे थे। मार्केट में कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना, कुछ भी ढंग से देख नहीं पा रहे थे, इसलिए हम लोग आ गए घर वापस और कुछ भी शॉपिंग नहीं की हमने। और फिर घर आने के बाद अभी मैंने डिनर वगैरह बना लिया है शाम के लिए और बस अभी हस्बैंड आते ही होंगे। अनुराग तो बाहर खेल रहा है बच्चों के साथ और मज़े लगे हैं। आज पता नहीं किस चीज़ की छुट्टी थी दी हुई और कल भी छुट्टी है, कल दशहरे की छुट्टी है। तो बस अभी करेंगे शाम की पूजा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।